शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। माफ कीजिएगा लेकिन हम सिर्फ बात ही नहीं करते, पुलिस दिन रात लगी हुई है बब्बर शेर गैंग का पीछा करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू कि बहुत जल्द बब्बर शेर गैंग के सारे मेंबर्स सलाखों के पीछे होंगे और उनके चेहरे जनता के सामने हैं। एएसपी कीर्ति त्रिपाठी, क्या दुकान में चोरी कल रात को, शेर का मांस? आप तुरंत थाने आके रिपोर्ट लिखाइए, हम अपनी टीम आपके दुकान पे भेज रहे हैं। दो दिन नहीं हुए हैं कि इस बब्बर शेर गैंग ने नाक में दम कर रखा है, अगर जल्दी उसे नहीं पकड़ा गया तो ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ऊपर से इन सोशल मीडिया वालों ने नाक में दम कर रखा है। सर इतने कांड पे कांड किए जा रहा है जैसे जल्दी में है। अच्छा है, गलती करेगा तो पकड़ा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं सर उन्हें। हेलो, हाँ पक्की खबर है? हाँ सर, हमने अपने एक खबरी को इनके पीछे लगा रखा था, एक की पहचान हुई है, लगता है आज मुंह दिखाई हो ही जाएगी अगर पकड़ा गया तो। और एक पकड़ा गया ना तो पूरे गैंग को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। कीर्ति खबर पक्की है तो काम शुरू करो, हाथ से निकलना नहीं चाहिए। क्या हुआ सर, आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे पहले हम उनकी कुंडली निकलवाएं, कहीं उन्होंने हमारी कुंडली निकलवा के पटवारी ना हो, इसीलिए बच के बार बार निकल रहे हैं। अब तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर आपके हिसाब से? चखो माड़, चखो माड़ ले लो भाया, चखो माड़, एक माड़ा 20 की, दो माड़ा 30 की, अरे हमसे सस्ता कोई और दे तो हमसे ले लो, मुफ्त में ले लो भाया, मुफ्त में ले लो। कीर्ति किसी को शक नहीं पर आएगा जरूर। नजर गड़ा के रखो कीर्ति, अच्छी लग रही है। थैंक यू। वाह, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है, अब आज कुछ खास है क्या? खास तो है, अभी बताता हूँ। आइए ना डॉक्टर रोशनी। तुमने आज मुझे खाने पर बुलाया ना, तो मैंने भी सोचा
कि तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं। पहली बार बनाया है, पता नहीं कैसा होगा। हलवा। बहुत टेस्टी है, लग ही रहा कि पहली बार बनाया तुमने। थैंक यू। दूसरे आदमी ने उसे एक पैकेट दिया है। उस आदमी से नजर मत हटाना। यस सर। जेब में खंजर है। खंजर हो या तलवार, हमें उसे पकड़ना है किसी भी हालत में। ठीक है। यस सर। ये लोग आगे काहे बढ़ रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अबे बस 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 बहुत हो गया। अरे आज खाना मैंने बनाया, खाना तो पड़ेगा। वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे तो पता ही नहीं तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो। लगता है तुम्हारे हाथ का जादू चल ही जाएगा। पक्का। तो इसी बात पे एक बात बोलूं? हाँ बोलो। पकड़ो उसे। हमारे घर की तरफ क्यों जा रहा है? तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ तुम्हें। जिंदगी का हिस्सा बनाओगी मुझे? शादी करोगी मुझसे? श्रद्धा, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ पूरे दिल से बोल रहा हूँ। अभय!
ओए आप लोग पीछे आना तू पीछे जाओ कहीं हमें कुछ कुछ नहीं होगा आप लोग पीछे रही मेरे परिवार को खरोंच भी आई ना तो यही मार दूंगा तुझे मैं अरे भाई कहाँ थे आप यहाँ क्या कर रहे हो कितने टाइम बाद दिख रहे हो भाई आप ये लो ये कौन है अभय को कैसे जानता है और इस पैकेट में क्या है कौन है तू मैं तुझे नहीं जानता हाँ हमारा चोरों से कोई नाता नहीं अभय संभल के ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है मुझे लगता है कि ये सारे एक ही गैंग के मेंबर हैं। ए, पीछे हटो। अगर ये एक ही गैंग के लोग हैं, तो फिर ये अपने ही आदमी के ऊपर क्यों चाकू दिखा रहे हैं? श्रद्धा, ये साजिश है इन लोगों की। ये लोग पहले झगड़ा करके, फिर हम पर वार करेंगे। ये लोग तीन हैं और हम आठ। गणित के हिसाब से हम हर एक को पकड़ के उसकी धुनाई कर सकते हैं हमें यही करना होगा हाँ 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 चलो 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 अरे चलो यार अरे अरे छोड़िए मुझे हमारे घर में घुसेगा तू अरे क्या कर रही है तू तो हम मैं हूँ वीके सिंह माफ कीजिए हमें लगा आप भी चोरों में से एक हैं जाने दो देखो कितना खून बह रहा है तुम ठीक हो ना तुमने उसमें पैकेट में क्या दिया क्या है उस पैकेट में मुझे नहीं पता पता नहीं कौन था और क्या है इस पैकेट में देखो पैकेट में क्या है वो नहीं जानते तो फिर उसने तुम्हें ये पैसे क्यों दिए सर इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है ये रही आपकी अमानत मैं उसे जानता भी नहीं हूं कीर्ति तू अपना ख्याल रखना कीर्ति तुम्हें बहुत चोट आई चलो अच्छे से पट्टी करनी पड़ेगी तुम अंदर चलो चलो क्या हो रहा है मेरे साथ पता नहीं कौन था ऐसे धमाका चला गया मुझे क्यों बैठो इधर दिखाओ चोट दिखाओ मुझे मैं दवाई लेके आता हूँ
इतना खतरा मोल लेना जरूरी था क्या? जानती हो कितनी फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। अरे भाई कहाँ थे आप, यहाँ क्या कर रहे हो? ये लो, ये आप ही के लिए लाया था मैं। आए दिन इतना खतरा मोल ले लेती हो तू। कीर्ति अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं जी नहीं पाऊंगा कीर्ति। वरुण जी हम आपका डर समझते हैं पर हमारा काम ही ऐसा है कि जहां दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान। कीर्ति नहीं, तुम्हारी जान मेरी जान है कीर्ति। चाहे हम रोज बहस करें एक दूसरे से लेकिन सच यही है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या हुआ अब? तुम कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? वरुण जी वो हमें समझ नहीं आ रहा उस चोर ने अभय को पैसे क्यों दिए? अभय को कैसे जानता है वो? पता नहीं कीर्ति, मैंने भी कभी उस आदमी को अभय के साथ देखा नहीं। खैर अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभय को लगने लगा है कि उसे डॉक्टर रोशनी से प्यार हो गया। इससे पहले कि वो रोशनी के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए श्रद्धा को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करूं, ये तस्वीरें हमेशा देखती रहती हूं, ये ना ये 2 साल पहले की है। भाई के एक्सीडेंट से पहले की मेरी खुशी मेरी जिंदगी उस एक्सीडेंट ने एक झटके में सब कुछ बदल के रख दिया। उस एक्सीडेंट के बाद अब है अपनी जिंदगी में इतना पीछे चले गए कि इतना कि उन्हें उन्हें अपनी बीवी अपने बच्चे कुछ याद नहीं। मगर मैं आज भी यही हूं अभय का इंतजार करते हुए। आओ ना इधर बैठो। जानती है डॉक्टर रोशनी एक वक्त था जब अभय ना मुझ पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा करते थे। अगर आप लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि वो कम से कम तुम पर तो भरोसा करते हैं ना, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे परिवार को फिर से एक होने में मेरी मदद जरूर करोगी। करोगे ना मेरी मदद? बहुत अच्छी लग रही है। रोशनी मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ पूरे दिल से बोल रहा हूँ। रोशनी कुछ बोलो तो। कुछ नहीं बस ऐसे ही। क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं श्रद्धा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। कुछ नहीं ऐसा, तुम मुझे यहाँ अभय का इलाज करने लेके आई हो ना तो मैं अपना काम पूरा जरूर करूंगी। कोशिश करूंगी कि अभय के दिल में तुम्हारी जगह वापस बना सकूं। तुमने मुझे इतना कह दिया है ना बस यही काफी है। मैं
अभी शांत हो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। बार बार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? 10 साल, पिछले 10 साल का कैसे मुझे कुछ भी याद नहीं है? धुंधले चेहरे, धुंधली यादें, जिनका मतलब मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। अभय, मैं हूँ ना, मैं तो आई हूँ तुम्हारे लिए ना। रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।